हेलो वेलकम एवरीबॉडी साथियों, हम जब भी कोई भूखंड या प्लाट खरीदते हैं तो उसके किसी भी एक या उससे अधिक दिशा में रास्ते का खुला होना अत्यंत आवश्यक होता है। साथियों, रास्ते या सड़क को वास्तुशास्त्र में महत्वपूर्ण माना गया है। इससे उस भूखंड या भवन के शुभ या अशुभ, सकारात्मक तथा नकारात्मक लाभों का अनुमान लगाया जा सकता है। साथियों, भूखंड पर स्थित रास्तों का हमारे निजी जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर एवं पश्चिम मुखी भूखंड की। साथियों, भवन से बाहर निकलते समय जिधर हमारा मुख होगा वही भवन का मुख होगा, अर्थात भवन की फेसिंग होगी। साथियों, किसी भी भूखंड का उत्तर पश्चिम, ये उत्तर और पश्चिम दोनों तरफ सड़क हो, यानी उत्तर में भी सड़क हो, उत्तर में भी रास्ता हो और पश्चिम में भी रास्ता हो, तो ऐसे भवन को हम उत्तर एवं पश्चिम मुखी भूखंड कहेंगे। साथियों, ऐसे भूखंडों को सामान्य श्रेणी का समझा जाता है, परंतु ऐसे भूखंडों का साथियों आवास के लिए अर्थात रिहाइश के लिए उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर उत्तर दिशा से तो सभी सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, अर्थात उत्तर दिशा से जो प्राप्त होने वाले हैं हमें सभी सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, परंतु पश्चिम दिशा की कम सकारात्मकता है वो ऐसे भूखंडों के शुभता पर यानी शुभ फलों पर थोड़ा प्रहार करती है। साथियों, अगर वास्तु विज्ञान के प्रयोग द्वारा यहाँ पर भवन बनाया जाए तो शुभ परिणामों की प्राप्ति होना संभव हो सकता है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।